हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम, खुश आमदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए मैंने कुछ दिनों से एक्टिव भी नहीं हूँ, कुछ व्लॉग्स भी नहीं बनाए हैं और जो भाई भाभी का क्वेश्चन आंसर राउंड शूट कर लिया था उसे एडिट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो 2 आवर्स का बन गया है, क्योंकि उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है आप सबके साथ शेयर करने के लिए, आप कुछ सीख देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, लेकिन वो 2 आवर्स का हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे किस तरह से एडिट करूँ, तो उसके बारे में सोच रही हूँ कि उसके कितने पार्ट्स करूँ या एक एक घंटे के 2 बार डालूँ। तो और तबीयत भी ख़राब थी इसलिए मैं एडिट नहीं कर पाई। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसे पोस्ट करूँगी। तो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा चलो कुछ ब्लॉग बनाते हैं और आज क्या क्या कर रही हूँ वो भी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। टूट गई। हाँ, दीपू का टेस्ट। सो फ्रेंड्स, मैंने 3-4 दिन से फोटोज भी नहीं क्लिक किए ज़्यादा, मतलब एक ही क्लिक किया था जो अर्जेंट वाला था। और फेस भी देखिए बहुत डल सा हो गया है और पिंपल भी आ गया है। ये 2 पिंपल आ गए, मतलब मुझे कभी ऐसे पिंपल नहीं आते लेकिन दवाइयों की वजह से, हीट की वजह से पिंपल आ गया। इसलिए मैंने आईज रब किए, उसमें मैंने लेमन मिलाया था और उसमें मैंने मिलाया था एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर, तो फेस थोड़ा सा उसे ग्लो आ जाएगा। उसके बाद चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने आउटफिट्स, मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या करना है आज। वो भी देखिए, ये अम्मी के कपड़े सुखाने का स्टैंड है, मैंने अभी इसको यूज़ किया हुआ है और इसमें आसानी से मेरी सारी चीज़, आज अम्मी ने एक्चुअली कपड़े नहीं धोए तो आज ये खाली था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया ताकि इससे मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो, कुछ मिस ना हो, क्योंकि याद रखना पड़ता है ये अलग जगह से आया है, ये अलग जगह से आया है, ये अलग जगह का है, मतलब अलग अलग ब्रांड्स का है, अलग अलग स्टोर का है ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, तो याद रहता है कि मुझे किसका किस पे क्या यूज़ करना है, मिक्स ना हो। तो मैं आज सबसे पहले आज ये इस आउटफिट में फ़ोटो खींचूँगी, मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो मैं आज इस पे या फिर ये दोनों में फ़ोटो क्लिक करूँगी। और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये टी शर्ट्स मैंने ऑनलाइन मंगाई है मिंत्रा से, जो घर पर अगर आपको लूज़ टी शर्ट पहनना पसंद है, थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट पहनना पसंद है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो देखिए ये इसका पूरा लुक है, ये जैसी लॉन्ग चाहिए तो ये लॉन्ग भी है, इसका मटेरियल भी थिक है और मैंने शायद लूज़ के चक्कर में थोड़ा सा बड़ा साइज़, अगर आप चाहें तो इससे 1-2 साइज छोटा भी ले सकते हैं, फिर भी ये लॉन्ग ही रहेगा, मैंने ज़्यादा बड़ा ले लिया है, लेकिन ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है और कुछ चेंज भी हो गया। और मैंने इसमें और भी सारे कलर्स मंगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, इसमें लिखा हुआ है ओवर ड्रेस्ड, ये भी बहुत अच्छा, ये येलो है या नियॉन कलर है, ऐसी कुछ लेमन कलर है। और पता है इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 1199, लेकिन ये सेल पे मुझे 350-349 रुपीज़ की मिली है, इसलिए मैंने ये, इसकी स्लीव भी फुल है और ये और भी ज़्यादा लॉन्ग है, ये देखिए ये भी बहुत अच्छी है, आप इसे किस तरह से भी पहन सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा कुर्ता स्टाइल में टी शर्ट हो गई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये इसका जो मैंने पहना हुआ उसका पिंक कलर, ये भी 350-349 की है। ये स्वेट शर्ट है, ये थोड़ी सी थिक है, मुझे स्वेट शर्ट जैसे कि बहुत सब पसंद है, ये भी मैंने मिंत्रा से मंगाया था, मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप स्वेट शर्ट्स कहाँ से पहनते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो ये भी सुपरमैन, ये भी मिंत्रा से है। आपको अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट्स लेनी है जो आपको थोड़ी कंफर्टेबल चाहिए और थोड़ा सा अगर आपको लॉन्ग लाइन, मतलब नीचे थोड़ी लॉन्ग पसंद है तो आप मिंत्रा से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वो जो लास्ट वीडियो है ब्यूटी ब्लेंडर्स की बात कर रही थी कि मैंने ऑर्डर किया है तो वो आ गए हैं, तो ये देखिए इसमें ये है, ये पिंक है, ये पर्पल है और ये की वाला ये मैंने यूज़ कर लिया था, ये भी बहुत सॉफ्ट है और ये भी मुझे सिर्फ 249 में मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किए, तो अगर आपको चाहिए तो आप मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हैं, अफोर्डेबल भी है और काम भी चल जाएगा। और फ्रेंड्स, वो लास्ट वीडियो में ब्यूटी ब्लेंडर की बात कर रही थी कि मैंने ऑर्डर किया तो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, वो आ गया है, एक ये पिंक है
और एक ये पर्पल है और एक ये मैंने यूज़ किया था। सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे और सिर्फ 249 रुपीस में, तो मुझे प्राइस भी बहुत अच्छा लगा, महंगा नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप भी मिंत्रा से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ और ऑर्डर की थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोल्डन आई लाइनर, ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं लगाऊंगी तो फिर आपको फोटो पोस्ट करूंगी, आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने यही कुछ ऑर्डर किया था, मैंने आपको दिखा दिया। और ये जो सारे आउटफिट है वो कोलैबोरेशन के हैं, तो अब मैं जो ये मैंने मरून वाला है मैं ये पहनूंगी और मैं आपसे रेडी होके मिलती हूँ, फिर हम जाएंगे फोटो क्लिक करने। अभी ये आउटफिट पहन रही हूँ, ये कुर्ता है और इसके साथ ये कॉन्ट्रास्ट में पैंट्स है और ये इसका दुपट्टा है। मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये दोनों भी फोटो ले लेके थक गए। ए इधर देखो रिजा, रेहान तुमने तो खैर कुछ नहीं किया, लेकिन कंपनी देने के लिए थैंक यू। मैंने आज लंच भी नहीं किया, रोटी कुछ ऐसे सब्जी खाने का मन भी नहीं कर रहा है, तो अभी मैं कोल्ड कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं जाके नींबू पानी भी नहीं पीऊंगी और मैं जाके अभी अपनी खिचड़ी बनाऊंगी। ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रहा है ना मुझे चटोरा। तो मैं फोटो क्लिक करके आ गई हूँ और अम्मी अभी जैसे हम गए तो बादल आ गए, कोई बात नहीं। और अब मैं चेंज कर लूँ और उसके बाद मैं क्या बनाऊंगी, दाल और दलिया खिचड़ी बनाएगी, तो आप बताएंगे सब बनाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है, मैं आराम से अपने वही कपड़ों में आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपनी खिचड़ी बनाने। लेकिन उससे पहले मुझे अपना मेकअप निकालना है। मेकअप निकालने के लिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ मामा अर्थ का 1 मिनट चैलेंज, जिसमें 1 मिनट में आप इजीली अपना मेकअप निकाल सकते हैं। और उसके लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का मिसेलेनियस वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी रोज़ वाटर टोनर। मामा अर्थ का मिसेलेनियस वाटर फोमिंग मेकअप रिमूवर बना है रोज़ वाटर से, ग्लाइकोलिक एसिड से और ग्लिसरीन से। रोज वाटर हमारी स्किन को टोन करेगा और ग्लाइकोलिक एसिड जेंटल एक्सफोलिएट करेगा, टॉक्सिन्स हटाएगा और साथ साथ ग्लिसरीन हमारे स्किन से ड्राइनेस को दूर करेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें सिलिकॉन ब्रश दिया हुआ है जो मुझे बहुत पसंद है, आप सबको पता ही होगा, क्योंकि इससे फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है, एक्सफोलिएट हो जाता है। तो हमें इस तरह से पंप करना है। ये फोमिंग फेस वॉश है, ये नॉर्मल फेस वॉश भी, आप इसे रोज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेकअप निकालना है तो, और आप जल्दी है और आपको जल्दी से मेकअप निकालना है और आप ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना चाहते, मतलब कि पहले आप मेकअप रिमूवर लगाएं फिर फेस वॉश करें, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत इजीली मेकअप रिमूव हो जाएगा और इसमें रोज वाटर भी है, ग्लिसरीन भी है। देखिए, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से मेकअप भी निकल रहा है। ब्रश बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, अच्छे से मेकअप निकल रहा है और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि रोज़ वाटर तो आपको पता ही है कितना अच्छा होता है, इसमें रोज वाटर की फ्रेग्रेंस है। सो देखिए फ्रेंड्स, कैसे 1 मिनट में मेरा मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया है। आप भी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मेकअप अच्छे से निकल गया है और अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया है, मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है और ये पीटर सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है और ये मेड इन इंडिया है, इसीलिए मैं इसे सपोर्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SABA2020 फॉर 20% डिस्काउंट एट मामा अर्थ, और आप ये प्रोडक्ट मामा अर्थ से, नायका से और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी और खिचड़ी खाऊंगी, लेकिन भाभी इतना अच्छा केक लेके आई है कि उसके बाद अब मेरा खिचड़ी बनाने का मन नहीं है, वो कभी और खाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका व्लॉग तो आप देख ही चुके होंगे। तो ये भाभी ने एगलेस केक बनाया है और अभी मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ और ये भाभी बैठी हुई है। बहुत सॉफ्ट है, तब मैं केक खाने जा रही हूँ। बहुत अच्छा है।
सही बना। तुम्हें कैसा लगा? बहुत टेस्टी। रेखा तुम भी बताओ आके। और अब मैं और अम्मी बैठ के चाय पी रहे हैं। पापा अपनी चाय पहले ही पी चुके हैं। पापा थोड़ा जल्दी पी लेते हैं और हम लोग अभी भाई भाभी के साथ बातें करने लगे थे तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए और अभी पियेंगे। और अम्मी रात के खाने में क्या है बनाएंगे? मेरा तो खिचड़ी खाने का भी मन नहीं कर रहा है। बनाए या नहीं? केक खा लिया मैंने अभी। कल बना लेना। तो फिर क्या खाएंगे? अभी बीन की सब्जी बना देंगे। ठीक है। चिकन ले आ। आप चिकन नहीं, अगर अभी मेरा मन करेगा तो खिचड़ी बना लेंगे। ठीक है। तो चलो अभी हम अपनी चाय पीते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, चाय हो गई है लेकिन उससे पहले मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। मुझे एक बड़ा अच्छा सा पीआर पैकेज आया। पहली बार ऐसा कोई बड़ा सा बॉक्स आया है। ये इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उन्होंने मुझे भेजा है तो मैं इसे अनबॉक्स करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा, और आज इतने अच्छे दिन पे आया जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो वो जो पीआर पैकेज आया था उसके साथ मैंने उसको ओपन कर लिया, उसके साथ फोटो क्लिक करा ली है। फोटो क्लिक कराने में बहुत टाइम लग जाता है और आज मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक पैर में मेरे दर्द होता है, पता नहीं आप में से किसी को होता होगा या नहीं, कभी कभी होता है, एक पैर में होता है और वो बहुत ही अजीब सा दर्द होता है। और वो जब होता है ना तो समझ नहीं आता क्या करो, तो वो हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने फ़ोटो क्लिक कर ली है, हम इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ, और जो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ उस वजह से देखिए कितनी ज़्यादा हीट हो रही है कि थोड़ी देर भी पंखा बंद करके अगर फ़ोटो क्लिक वीडियो बना रहे हैं तो देखिए कितनी स्वेटिंग हो रही है। तो अभी चलते हैं, फाइनली मैं खिचड़ी बना रही हूँ बस, नहीं तो फिर रात में भूख लगेगी। वैसे इसमें चावल नहीं भी डालते तो चलता, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने थोड़े से चावल इसमें डाले, है ना? आप क्या चावल ही डालते हैं? नहीं, थोड़ा कम हेल्दी हो गया खाना हो यार। हींग और नमक, पानी, नमक, पानी। अच्छा
इसमें मसाले नहीं है क्या? बस जल्दी खा लिया। ये खिचड़ी मेरी बन गई है और ये दो चटनी है, एक मिर्ची और टमाटर की और एक कौन सी प्याज की। तो अम्मी प्याज की चटनी बहुत अच्छी बनाती है क्योंकि अम्मी जहाँ कहाँ रहने वाले हैं, मतलब मौदहा के वहाँ ये प्याज की चटनी बहुत अच्छी होती है। केरी डाल के या अमचूर कुछ भी डाल, मतलब कच्चा आम प्याज और बस नमक मिर्ची तो चाहे इसको तल लो चाहे कच्ची रखो, तो आज हमने कच्ची रखी है। हाँ, और कभी इसको तल के भी खाते हैं तो बहुत अच्छी होती है। उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो हम आपको बता देंगे। तो अभी हम अपना डिनर कर रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और हम लोग चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।